हेलो फ्रेंड्स, कल जो हमने समोसा जलेबी बनाई थी ना, उसका शुगर सिरप बच गया था, तो उससे मैंने ये दानेदार मोहन थाल बनाया है। बिल्कुल आसानी से बनके तैयार हुआ है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। इसके लिए जितनी शुगर सिरप हमारे पास बची थी ना, उतना ही मैंने बेसन ले लिया है। और अब इस बेसन में मैं 1 टेबल स्पून घी डाल के इसको क्रम्बली करूँगी। बिल्कुल अच्छे से मसल मसल के क्रम्बली कर लेंगे, जिससे इसमें दाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी बताएं आप कौन से सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो अब इसको मैंने एक छलनी में डाल लिया है और इसको अच्छे से मसलते हुए छान लेंगे। इन्हीं प्रोसेस से बेसन दानेदार हो जाएगा। अच्छे से मसलते हुए छान लिया है, ये देखिए कितना अच्छा दाना बन गया इसमें। तो अब मैंने एक पैन में जिस कटोरी से बेसन लिया था ना, उसका 1/4 मैंने घी ले लिया, यानी 3 टेबल स्पून। तो अब इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बेसन को भूनेंगे, जब तक कि इसे घी सेपरेट नहीं होता। तो ये इस स्टेज पे आने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून दूध डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसका अच्छा दाना भी बन जाएगा। तो ये देखिए घी छोड़ने लगा है बेसन। अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। और चूंकि हमारी शुगर सिरप एक तार की नहीं थी, तो हम इसको लो फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे, जिससे ये जमने जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। और शुगर सिरप में इलायची पाउडर तो हमने डाल ही रखा था, तो मैंने अलग से कोई पाउडर इसमें नहीं डाला। तो ये देखिए थोड़ी सी देर में ये गाढ़ा हो गया है, तो बस हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ग्रीस की हुई प्लेट में इसको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर वर्क लगा लें। और ये देखिए, ये इसकी पहचान है कि अगर ठंडा करके इसे गोली बनने लगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ही 15 से 20 मिनट में सेट होके तैयार हो गया है। और कितना मखमली कट रहा है ये देखिए, बनाना कितना दानेदार, कितना शानदार। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताना ना भूलें। और आप भी बची हुई शुगर सिरप से क्या बनाते हैं ये भी बताएं, और आप भी इसको बनाइए और त्योहारों पे इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।